जंतर मंतर पर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए टीकरी बॉर्डर पर जो पुलिस तैनात की गई थी, अब वो पुलिस पीछे हट गई है। दिल्ली में जंतर मंतर पर किसानों की महापंचायत को लेकर एक दिन पहले टीकरी बॉर्डर पर बिगड़ी स्थिति अब शांतिपूर्ण हो गई है। टीकरी बॉर्डर से दिल्ली पुलिस हट गई है। रात को ही लोहे व सीमेंट के बैरिकेड भी हटा लिए गए हैं, उन्हें सड़क किनारे रख दिया गया है। बॉर्डर पर अब दिल्ली पुलिस के जवान नहीं है। वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है। किसानों की गाड़ियां अब दिल्ली में बेरोक टोक जा रही हैं। आपको बता दें कि किसानों को रोकने के लिए लगाए गए लोहे और कंक्रीट के बैरिकेड भी हटा लिए गए हैं। किसान इस बार ट्रैक्टर ट्रॉलियों की बजाय अपने निजी वाहनों और रेल के जरिए प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। हालांकि इस बार संख्या उतनी नहीं है जितनी टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के समय थी। पंजाब के कुछ बड़े संगठनों ने इस प्रदर्शन से दूर रहने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत भी जंतर मंतर पर हो रहे इस प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े कुछ संगठन इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। पंजाब और हरियाणा से काफी संख्या में किसान जंतर मंतर के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए रवाना हुए। किसानों का कहना है कि दिल्ली पुलिस अगर उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो वह भी जहां उन्हें रोका जाता है वहां बैठकर प्रदर्शन शुरू कर देते। ऐसे में अब जब दिल्ली पुलिस पीछे हट गई है तो किसान एक दिन का शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के बाद वापस घर जाने की बात कह रहे हैं। दिल्ली पुलिस क्यों रोकने की सूचना जिला में आ रहे हैं, मोर्चे जिला पहुंच रहे हैं सर, जंतर मंतर पे धरने के लिए जा रहे हैं। आखिर जंतर मंतर पर धरना क्यों देना पड़ रहा आपको? सर जो पहले किसान आंदोलन हुआ तो उसमें ना कई वादे किए थे सरकार ने, तो कोई भी वादा भी पूरा नहीं हो रहा सर। एमएससी का जो कानून बनाना, वो कानून नहीं बना, इसके लिए उस वजह दोबारा जाना पड़ रहा। एक मांग पत्र देना है राष्ट्रपति को, जो हमारी जो वादा खिलाफी हुई है उसके खिलाफ अगर नहीं करेंगे हम इस वजह। क्या नाम आपका? नाम मेरा जग सर। अब देखना होगा कि वादे के मुताबिक क्या किसान एक दिन के धरना प्रदर्शन के बाद वापस लौट जाते हैं या नहीं, या फिर किसान इस बार भी सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ कुछ और ही मन बना कर आए हैं। बहादुरगढ़ से जगदीप राजान, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।